मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ पर एक नई सीख भी मिली है। माहौल है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बच्चों को इंस्पिरेशन मिल रहा है। एट द इलेक्शन डे ऑफ हेड बॉय हेड गर्ल इन फेम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, आई एम निहारिका विद कैमरा वुमन महिमा टू कवर एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन। हम कैंडिडेट कशिश के साथ है, आपका साइन तराजू। तो आपको कैसा लग रहा है वोटिंग, आप हेड गर्ल के चुनाव में खड़ी हुई हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ पर एक नई सीख भी मिली है कि सबको वोटिंग डालना ज़रूरी भी है और ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा भी है। और आपको क्या लगता है कि आपको सब वोट देंगे? आप में ऐसा क्या है, ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको सब वोट दें? वैसे तो मैं स्कूल में नहीं हूँ और मैं इतनी लोकप्रिय नहीं हूँ अपने विरोधियों की तरह, पर मुझे लगता है कि मुझे वोट देना चाहिए क्योंकि मैं आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, जितना मुझे हो जाएगा मैं वो कर लूँगी और बाकी मैं प्रिंसिपल सर से कंसल्ट करूँगी। थैंक यू एंड गुड लक। हम एक और कैंडिडेट मुस्कान के साथ है, मुस्कान आपका साइन फुटबॉल। तो आपको कैसा लगा वोट देकर? मुझे अच्छा लगा। और आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि लोग बच्चे आपको वोट दें? मैं स्कूल के हित में जो भी फैसले लूँगी स्कूल के हित में लूँगी और सही लूँगी इस वजह से। ओके थैंक यू गुड लक। ओके हाँ, मैं वंदना दीदी के साथ। वंदना दीदी, स्कूल में इलेक्शन हो रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ स्कूल में। ये हमारे स्कूल में सेकेंड टाइम का जो है इलेक्शन हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा माहौल है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता है। जो 18 ईयर्स के हो जाएंगे वो तो उनको भी मतलब ऐसा रहेगा कि चलो हाँ ऐसे वोट देते हैं, उनको भी आइडिया हो जाएगा एक वोट देने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ओके थैंक यू। हम हैं कैंडिडेट पीयूष के साथ और हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। भैया, आप हेड बॉय के चुनाव में खड़े हुए, आपको कैसा लग रहा है? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे सपोर्ट में हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और अगर जो इनका सपोर्ट रहा तो मैं हेड बॉय के इलेक्शंस भी जीत सकता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्टूडेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे? ये स्टूडेंट्स और मेरे हम दोनों के बीच का बॉन्ड है और बहुत ही अच्छा बॉन्ड है हम दोनों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में और हमारे बीच में, इसी कारण मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट के कारण मैं जीत सकता हूँ। ओके थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू। ये चुनाव जैसे बाहर होते हैं इंडिया में वैसे ही हो रहे हैं, डेमोक्रेसी वैसे ही हो रहे हैं। बच्चों को हमें इस वोटिंग का मतलब भी हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में वोटिंग सिस्टम कैसा है, वो किस प्रकार से वोट दिया जाता है, इसलिए स्कूल में अपने हेड बॉय हेड बॉय हेड गर्ल के किए गए चुनाव किए गए। तो इसमें बेनिफिट्स क्या है बच्चों का? बच्चों का बेनिफिट ये है कि वो सिस्टम को समझेंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके वो भी वोटिंग करेंगे तो वो पूरे सिस्टम को समझेंगे किस प्रकार से होते हैं वोटिंग, हमें कैसे हमारा नेता कैसे चुनना चाहिए, इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे बच्चे। थैंक यू मैम। तनु दीदी के साथ हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे स्कूल में इलेक्शन हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ बताइए इलेक्शन के बारे में। इससे बच्चों को नॉलेज मिलेगा कि मतलब कैसे वोट देते हैं, किस टाइप से वोटिंग होती है, तो उनको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा और उनको पॉलिटिक्स के बारे में भी नॉलेज मिलेगा बस। ओके थैंक यू। कैसा रहा वोट देके? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि मैंने एक बार पहले भी अगर मैंने लोकसभा और इलेक्शन में वगैरह वोट दिया तो सेम एक्सपीरियंस जो है मेरा रहा है। काफ़ी खुश हूँ मैं बच्चों को लेकर भी, काफ़ी उत्साह जो है वो एक्साइटमेंट बच्चों के अंदर भी बना हुआ है और यहाँ तक कि टीचर्स जो है मेरे अंदर भी काफ़ी एक्साइटमेंट था कि मुझे स्कूल के लिए हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए वोट करना है। सर, आप सोशल साइंस की टीचर हैं, आप हमें डेमोक्रेसी इलेक्शन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब सीधा सा लोग जो हैं वो समझते हैं कि जिस ऐसी कंट्री जिसमें जो है वोट होता हो या इलेक्शन होता हो वो कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन मेरे मायने जो है डेमोक्रेटिक कंट्री के थोड़े से अलग हैं या कहूँ थोड़े से डिफरेंट तरीके से हैं। मेरा मानना ये है कि सिर्फ इलेक्शन करवाने से किसी कंट्री को जो है हम डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो नहीं कह सकते या डेमोक्रेसी वो नहीं होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देकर जो है हम बता सकते हैं कि कोई कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए
कि आपने किसी व्यक्ति को इलेक्ट किया हुआ है लेकिन सारी पावर इलेक्टेड व्यक्ति के हाथ में ना होते हुए किसी और व्यक्ति के हाथ में है, तो इलेक्शन होने के बावजूद भी वो कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगी। इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल जो है आप पाकिस्तान के रूप में ले सकते हैं। पाकिस्तान कंट्री में अगर आप देखेंगे परवेज मुशर्रफ जो है वहाँ के राष्ट्रपति भी रहे हैं और सेना के प्रमुख भी रहे हैं। अगर उनसे देखा जाए तो पाकिस्तान में ये एक नया नियम बना था, परवेज मुशर्रफ ने जो है सेना के हाथ तख्ता पलट किया था सेना के हाथों। इसका मतलब सीधा सा हुआ कि उन्होंने वोट जो है वो किसी और व्यक्ति को दिए और सुप्रीम पावर जो है किसी और व्यक्ति के हाथ में है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, चाहे वहाँ इलेक्शन होते हो या ना होते हो। इसके अलावा